हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गंगा पर। भारतीय भूगोल से संबंधित आज मैं आपको भारत के राज्य और उनकी राजधानी के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले भारतीय भूगोल से संबंधित ही मैं आपको दो वीडियो बता चुकी हूँ, जिसमें आपका भारत का सामान्य परिचय और भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई हैं। तो अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लें। आपको भारतीय भूगोल में सभी जो प्रश्न हैं वे NCERT बेस्ड बताए जाते हैं और भारतीय भूगोल से संबंधित आपको कम से कम 500 प्रश्न कराए जाएंगे और लगातार आपको प्रतिदिन जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वो 20 से 25 प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज भारत के राज्य और उनकी राजधानियों पर, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें आपको मैं पहला जो स्टेट है नॉर्थ का, उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। देखिए, जो भारत के स्टेट है वो 6 जोन में बटे हुए हैं और मैंने 6 के 6 जोन में बांट करके सभी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं। जो पहली शॉर्ट ट्रिक है वो नॉर्थ स्टेट की है, यानी उत्तर में पड़ने वाले राज्यों की है। पहली है हिमांशी पांच हरी उत्तर दे उत्तर लखन, हिम से हिमाचल प्रदेश, 6 से शिमला, 5 से पंजाब और 6 से चंडीगढ़, हरी से हरियाणा। देखिए, ये जो दो लाइन है पांच हरी, दो जो ये आपके वर्ड है पांच हरी, इसी में आपके हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य और इसी की राजधानी चंडीगढ़, इन्हीं दो वर्ड में क्लियर हो जाएगी। उत्तर दे उत्तर लखन, उत्तर से उत्तराखंड, दे से देहरादून, उत्तर से उत्तर प्रदेश और लखन से लखनऊ। तो एक ही लाइन में आपको नॉर्थ के सारे स्टेट और उनकी राजधानी याद हो जाएंगी। अगली ट्रिक है ईस्ट की, यानी पूर्व में पड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं। उड़ा भवन पश्चिम को पटक बे झारू, उड़ा से उड़ीसा, भवन से भुवनेश्वर, पश्चिम को पश्चिम बंगाल कोलकाता, पटक बे से बिहार और पटक से पटना, झारू जैसे झारखंड और रैसे रांची। एक ही लाइन में आपके ईस्ट के सभी राज्य और उनकी राजधानियां याद हो जाएंगी। फिर है वेस्ट, यानी पश्चिम में पड़ने वाले कौन कौन से राज्य हैं। राजगूंगा महाराज गोप है, रा से राजस्थान, जय से जयपुर, गूंगा गै से गुजरात, गै से गांधीनगर, मैं से महाराष्ट्र और मैं से मुंबई, तो महाराज महाराष्ट्र और मैं इसमें आ हुआ है तो मुंबई। गोप है गै से गोवा और पै से पणजी और है इसमें रहेगा साइलेंट। तो राजगूंगा महाराज गोप है, राजस्थान जयपुर, गुजरात गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, गोवा पणजी और है रहेगा साइलेंट। अगला है साउथ में कौन कौन से स्टेट है, यानी भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं। तू गा हे अंधा अमर कर्तव्य करता तमिलचे, तू गा यानी तेलंगाना, हे से इसकी राजधानी हैदराबाद, अंधा यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, अमर से अमरावती। फिर है कर्तव्य यानी कर्नाटक और बै से हो जाएगी बेंगलुरु, करता कैसे केरल और तैसे तिरुवनंतपुरम, तमिलचे तमिल से तमिलनाडु और चे से चेन्नई। तो एक ही लाइन में साउथ के सारे स्टेट और उनकी राजधानी याद हो गई होगी। नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट को सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, जितने इनके राज्य हैं इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे राज्य है जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि ये 7 राज्य है। मेघ सी सोम दी अरुणाई, नाग को मणि में आई तेरा घर, मेघ से मेघालय, सी से शिलोंग, सोम से हो जाएगा असोम और दय से हो जाएगा दिसपुर, अरुणाई अरुणाई से अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल और ई से हो जाएगा ईटानगर, नाग यानी नागालैंड और को से हो जाएगा कोहिमा, मणि से हो जाएगा मणिपुर और ई से इम्फाल, मैं आई यानी मिजोरम और आइजोल,
तेरागर त्रिपुरा और गर से हो जाएगा अगरतला, तेरा से त्रि और गर से अगरतला। तो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट और इनकी राजधानी याद हो जाएगी। मध्य प्रदेश भोपाल और छत्तीसगढ़ और रायपुर, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जो आपके पड़ेंगे मध्य भारत में, और इसकी राजधानी छत्तीसगढ़ की हो जाएगी रायपुर और मध्य प्रदेश की हो जाएगी भोपाल। तो नॉर्थ में, नॉर्थ जोन में भी बांटा गया है, ये भी याद रखना है। और छत्तीसगढ़ की रायपुर और मध्य प्रदेश की हो जाएगी आपकी भोपाल राजधानी। आइए बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कुछ न्यू भी आपको बताए जाएंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रश्न है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और इसके दो हिस्से किए गए हैं। मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2019 में। अगला प्रश्न है, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर से अलग करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो जो मध्य प्रदेश है वे पूरे 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, जैसे ही आप साउथ के राज्यों में आओगे तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों का निकटवर्ती स्टेट है, दोनों राज्यों से लगता है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से। अगला है, किसी व्यक्ति को नई दिल्ली से भोपाल और फिर रांची पहुंचना है, रांची किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की, सॉरी झारखंड की हो जाएगी रांची, छत्तीसगढ़ की तो है रायपुर, तो झारखंड की हो जाएगी रांची। तो नई दिल्ली से भोपाल और फिर रांची पहुंचना है। नई दिल्ली आपकी पड़ती है नॉर्थ में, और भोपाल यानी मध्य प्रदेश पड़ता है आपका सेंट्रल इंडिया में, यानी नॉर्थ के नीचे, यानी आएगा वो नॉर्थ से दक्षिण में साउथ की ओर, फिर पहुंचना है उसको कहाँ? रांची यानी झारखंड, और झारखंड पड़ता है आपका ईस्ट में यानी पूर्व की ओर। तो इसने पूछा है उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी, तो पहले वो आएगा दक्षिण में, फिर आएगा वो पूर्व में, तो दक्षिण और पूर्व है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस बिल के द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? किस बिल के द्वारा, यहाँ पे इस लिखा हुआ है, इस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा किस बिल के द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? तो जम्मू कश्मीर को 2019 में बांटा गया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर राज्य बनाया गया है, यानी तेलंगाना को किस राज्य से अलग किया गया तब ये राज्य बना है? तो इसको अलग किया गया है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर नया राज्य घोषित किया गया था? सन 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था और इसे नया राज्य घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सेवन सिस्टर्स किन राज्यों को कहा जाता है? ये मैंने अभी बताया था आपको, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं यानी उत्तर पूर्वी राज्य, इन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है? तो अगर आप देखोगे मैप में, बंगाल की खाड़ी जो है ये आपकी पूर्व दिशा यानी ईस्ट में पड़ती है, बंगाल की खाड़ी ईस्ट में पड़ती है। अगला प्रश्न है, म्यांमार भारत के कितने राज्यों से लगता है? म्यांमार भारत के कितने राज्यों से लगता है? तो जो म्यांमार है ये लगता है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो 4 राज्यों से लगता है। कौन कौन से राज्य बताए मैंने आपको? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और एक आपका नागालैंड।
चार राज्यों से म्यांमार लगता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। अगर आप मैप में देखोगे तो पंजाब आपका पड़ता है वेस्ट में, जबकि हिमाचल प्रदेश पड़ता है नॉर्थ में, ठीक है, और गुजरात आपका पड़ता है वेस्ट में। तो गुजरात भी लगता है पाकिस्तान से और पंजाब भी, क्योंकि पाकिस्तान हो गया इंडिया के पश्चिम में, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं लगता। नेक्स्ट ऑप्शन में है पंजाब, गुजरात और राजस्थान, तीनों ही पश्चिम के स्टेट हो गए। तो पंजाब, गुजरात और राजस्थान पाकिस्तान से लगते हैं। फिर है हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। हरियाणा भी आपका नॉर्थ में चला गया, दिल्ली भी, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है फिर राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इसमें फिर उत्तर प्रदेश नॉर्थ का हो गया, तो ये भी नहीं। आंसर सही है पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन बी, पंजाब, गुजरात और राजस्थान पाकिस्तान से लगने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से घिरा है? तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं बांग्लादेश से लगने वाले? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। तो ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये वो है बांग्लादेश, जो 5 स्टेट के साथ सीमा बनाता है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। अगला प्रश्न है, दमन द्वीप के साथ किस केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है? पहले भी बता चुकी हूँ ये मैं आपको, दमन द्वीप का जो विलय है वो कर दिया गया है दादरा और नगर हवेली के साथ। तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है दादरा और नगर हवेली, ये है। दमन द्वीप का विलय दादरा और नगर हवेली के साथ कर दिया गया है, और ऑप्शन डी किसी के साथ भी नहीं है, गलत हो जाएगा, किया गया है दादरा और नगर हवेली के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? मैप में देखोगे तो लक्षद्वीप समूह स्थित है पश्चिम की ओर, और पश्चिम में है इंडिया के अरब सागर। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अरुणाई, जैसे ही आप अपने शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे उसमें है अरुणाई, तो अरुणाई, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और ई से हो जाएगा ईटानगर। तो न तो रांची, नेक्स्ट न रायपुर और ना ही जयपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ईटानगर। ईटानगर राजधानी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? पश्चिम को यानी पश्चिम बंगाल, और को से कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता राज्य की, कोलकाता की, पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी हो जाएगी कोलकाता। अगला प्रश्न है, अमरावती किस राज्य की राजधानी है? ये पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, बता चुकी हूँ, बाकी आप शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से किस अनुच्छेद को हटा दिया गया है? 370A, 370 या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर से 370 एक्ट को हटाया गया है, 370A अभी भी लगी हुई है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाई गई है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटा दिया जाएगा अगर कभी आवश्यकता हुई तो। तो अभी केवल 370 धारा को हटाया गया है, जबकि जो इसका ए पार्ट है वो अभी जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार फिर बता दूँ, अगर आपने अभी तक अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।